हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। गाइस आज मेरी मम्मा की तबीयत खराब है, इसलिए आज मैं अपने लिए कुछ पराठे बना रहा हूँ, क्योंकि मम्मी कहती है कि लड़कों भी को भी पराठा बनाना आना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए। अगर हम कोई बाहर गए, अगर हमारी मम्मी तो मम्मी की तबीयत खराब हो तो हमें खुद पराठे बनाने चाहिए, क्योंकि क्योंकि बाहर का जो खाना होता है उससे कैलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बीमारियाँ भी होती हैं, इसलिए हमें खुद पराठे खाना बनाना आना चाहिए। देखिए मेरे बेले में पराठे कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। अभी गाइस मैंने पराठे बेल लिए, अभी मैं गैस ऑन कर रहा हूँ। गाइस पराठे बेलने से पहले अपना हाथ, पराठा तवे पे डालने से पहले अपना हाथ ऐसे चेक करना चाहिए। अगर आपका हाथ गर्म हो गया समझिए कि तवा भी गर्म हो गया। अगर नहीं, अगर हाथ जो हाथ है अगर वो गर्म नहीं हुआ, समझो कि जो तवा है वो अभी गर्म नहीं हुआ है। अब ये तवा गर्म हो चुका है, अब मैं पराठा डालने वाला हूँ। गाइस मम्मा कहती है कि अगर पराठे में पूरे बबल्स आ गए तो हमें पराठा पलटना चाहिए। देखिए गाइस एक तरफ से पलट चुका है, अब हम ऑयल डाल सकते हैं। अब हमें अब बबल्स आ गए हैं तो पलटना होगा। अब हम यहाँ पे भी पराठा स्प्रेड करेंगे। गाइस मैं भी 12 साल का हूँ, मम्मा ने मुझे 10 साल से ही सिखा दिया है घर के काम करना। मैं पढ़ाई में बहुत फर्स्ट आता हूँ और मेरी मम्मा बहुत अच्छी ट्यूटर है जो मुझे अच्छे से पढ़ाती हैं, उनकी वजह से आज मैं फर्स्ट रैंक पे आया हूँ। गाइस अब मेरा पराठा बन चुका है। मेरी मम्मी पराठे के जैसा शेप नहीं है, पर खाने लायक तो है। भविष्य में मैं सीख जाऊँगा पराठा बनाना सही से। दूसरा पराठा जो मैं दाल तवे पे डालने जा रहा हूँ, ये कैसा बना है कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। गाइस ये फर्क नहीं पड़ता आप लड़के हो या लड़की, पर आपको घर के सारे काम बटाने चाहिए और मम्मा का हाथ बढ़ाना चाहिए और बड़ों का भी हाथ बटाना चाहिए। और अपना ध्यान रखिएगा। बाय।